ये पैसे। काहे के? उधार। अरे उधार लिया था ना, भूल गए? मैं वही लड़की हूँ, वो दवाई लेकर दी थी तुमने, मेरे भाई को बहुत तेज बुखार था, तुमने मदद की थी। ये रख लो पैसे, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अरे बाजी मैं साहब उदास हो, तबीयत खराब है। चली जाए यहाँ से। अरे वही जाओ, कुछ तो दो ना। ले पकड़ ले। तुझे किसने कहा ये चाहिए? तो क्या चाहिए फिर तुझे? ये जीप तुम्हारी है ना? हाँ मेरी जीप है, तो क्या करूँ, ये जीप उठा के तुझे दे दूँ? अभी इतना रईस नहीं हुआ हूँ मैं कि अपनी जीप बांटता फिरूंगा। चली जा यहाँ से। पूरी बात तो सुन लो, मैं कह रही थी कि ना मुझे जीप की सैर करा दो। मैं तुझे जीप में सैर कराऊंगा? तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? देखो साहब, मैं ना कभी ऐसी जीप पे बैठी नहीं, उठा दो एक दफा। देखिए पैसे पकड़ने तो पकड़ ले, वरना जेब में डाल लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। वैसे ज्यादा ना मगरूर ना बन, जिस रब ने तुझे ये जीप दी है ना वो वापस भी ले सकता है। हाँ, दुनिया में इससे बड़ा कोई गुनाह और है ही नहीं कि मैंने तुझे जीप में सैर नहीं कराई। देख बोल रहा हूँ, चली जा यहाँ से, दिमाग नहीं खराब कर, मूड नहीं है मेरा बात करने का, जा यहाँ से। हाँ मूड शूड नहीं है, बड़ा आया आशिक। परवीन, परवीन कहाँ? हाँ क्या हुआ? सुन, वो अच्छी सी चाय बनाकर ना बैठक में ले आ, रफीक के बड़े खास दोस्त आए हैं। तभी तुम इतना झिलमिला रही हो। खैर रानी को बोल दो ना, बल्कि मैं बोल देती। अरे नहीं नहीं नहीं, रानी को ना बोलना, वो तो हर काम खराब कर देती है, और तेरे हाथ में जो जायका है ना वो किसी के हाथ में नहीं है। चाय बनाकर अच्छी सी ट्रे सजाकर बैठक में ले आना। हाँ रफीक के दोस्त आए हैं, मेरी बहन नहीं है। ठीक है जा। घर पर अकेले राज करने के ख्वाब देखने लगी है परवीन बीबी। पर परवीन तेरी बड़ी बहन की सोच तुझसे कहीं आगे है, तुझे अंदाजा ही नहीं है तेरे साथ होने क्या वाला है।